प्लस टू में हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, कोई भी आपका सॉलिड दिया जाए ठीक है यूनिट मास दिया जाएगा, यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1 टन कोई भी यूनिट मास दिया जाए सर, किसी भी सॉलिड का यूनिट मास को ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट आप देंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आपने आपके पास सोडियम क्लोराइड नमक पड़ा हुआ है, नमक यस सर, नमक के क्रिस्टल पड़े हुए आपके पास, जो नमक के आने में तो नमक के क्रिस्टल आपको टुकड़े नमक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, नमक का एक डला पड़ा हुआ है, नमक का क्रिस्टल पड़ा हुआ है। अब आपको 1 किलोग्राम नमक आपके का एक डला एक क्रिस्टल आपको पड़ा हुआ है, अब आप उसमें हीट दे रहे हो जैसे ही वो पिघलना शुरू हो जाए, आप जैसे ही पिघले आपने हीट दिया तो बॉडी तो नहीं पिघलेगा, जब हीट दोगे तो हीट देते देते आप उसको आपका कोई इंस्ट्रूमेंट आप मेजर कर सकते हो भाई कितनी हीट आप दे रहे हैं, आपको पता भी कितनी हीट मैंने दे रहा हूँ। जैसे ही पिघलना शुरू हो जाए 1 किलोग्राम मास को वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो आप मेजर कर लोगे आपको पता चल जाएगा भाई कितनी हीट मैंने दी, वो जो हीट की क्वांटिटी है इतनी हीट मैंने दी तब जाके पिघला गया, वो जो हीट की क्वांटिटी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है, वो कहलाती है जिस वो पिघलना शुरू हो जाए इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा अब आता हमारे पास आता है यूनिट सेल, किसी भी अच्छा हमने क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई बहुत सारी जो सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, अब क्रिस्टल की शक्ल क्या होती है, क्रिस्टल की शक्ल क्या होती है ये मिसाल दो, डायमंड के क्रिस्टल की फॉर्म में ठीक है, लेकिन शक्ल क्या होगी मतलब उसको वो स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा सर्किल होगा क्या शक्ल होगी, हाँ वो क्रिस्टल जो होगा, अब क्रिस्टल कई शेप में हो सकता है, क्रिस्टल कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रिस्टल तो ध्यान में सोचते हैं कि क्रिस्टल पर जैसे डायमंड की शक्ल डायमंड हमने देखा हुआ है टीवी में हमने देखा हुआ है ना वीडियोस में देखा हुआ डायमंड शेप का होता है तो या तो ट्राइंगल की शक्ल में होगा, तो क्रिस्टल जो है वो कई शेप में होता है कई ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, वो कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है उसको हम देख रहे हैं, तो क्रिस्टल की कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होती है ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसकी कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो हम देख रहे हैं। किसी भी क्रिस्टल की कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, किसी भी क्रिस्टल की कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो हम देख रहे हैं। जो क्रिस्टल की ज्योमेट्रिकल शेप में नंबर वन हमारे पास आ रहा है मैं बता दूँ, अब देखो पहले तो ये देख लो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल की एक शेप है ठीक है, अभी हम देखें कौन सी क्या होती है, ये देखो ये क्यूब नज़र आ रहा है एक तरीके क्यूब है ना, ये ये इसी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, ये इसी क्या होगी ब्रेथ हो जाएगी, ये इसी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अच्छा लेंथ को हम शो कर रहे हैं किससे भाई, हमने क्या हमको लेंथ को शो किया बी से, ब्रेथ को शो किया ए से, हाइट को शो किया सी से, ए बी सी ये ए लेंथ को ए से भी शो कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप बोलो ए को मैं लेंथ से शो कर रहा हूँ लेंथ ए को शो करूँगा ब्रेथ उसको बी से शो करूँगा हाइट को मैं सी से शो करूँगा, ये कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिस्टल में तीन चीज़ होगी, उसकी लेंथ होगी ब्रेथ होगी हाइट होगी, लेंथ ए बी लेंथ ए ब्रेथ बी हाइट सी हो सकती है। यस सर। और अभी तीन डायमेंशन है ना, ये एक डायमेंशन ये हो गया दूसरी डायमेंशन तीन डायमेंशन एक्स एक्सेस वाई एक्स रेड एक्सेस में हो गया, ये एक्स एक्सेस देखो एक्स अगर मैं ये ले रहा हूँ लेंथ ले रहा हूँ अगर वाई एक्सेस के अलॉन्ग ठीक है तो ब्रेथ किसके अलॉन्ग हो जाएगी एक्सेस के अलॉन्ग, देखो ब्रेथ ये एक्सेस के अलॉन्ग हो गई और हाइट किसके अलॉन्ग रेड एक्सेस में, तो तीन एक्सेस हो गए हमारे तीन डायमेंशन हो गई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रेड एक्सेस ठीक है। तो अब ये तीनों जो लेंथ हैं आपस में जो एंगल बना रही हैं तो मैं कहूँ ये देखो हमें मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जेड एक्सेस में ले लिया, मैं तुम्हें क्या बताया था कि एक्स एक्सेस ज़रूरी नहीं है कि यूँ ही इस तरह हॉरिजॉन्टल लिया एक्सेस यूँ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस आपस में 90 एंगल में होंगे, चाहे एक्सेस यूँ ले लो चाहे एक्सेस यूँ ले लो चाहे एक्सेस अगर एक्सेस यूँ ले रहे हो तो वाई एक्सेस यूँ हो जाएगा एक्सेस यूँ ले रहे हो तो वाई एक्सेस यूँ हो जाएगा ठीक है, लेकिन तीनों एक्सेस आपस में 90 एंगल पे होते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस हमेशा 90 एंगल पर होते हैं ठीक है। एस एस टी का याद करना है, हाँ वो याद कर लो। तो ए बी सी समझ में आ गया क्या चीज़ है, ए बी सी क्या है, ए बी सी किसी भी जो मैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तीनों साइडों की लेंथ है, ए या तो उसकी लेंथ ले लो इसकी ब्रेथ लो हाइट ए बी सी, तो अल्फा बीटा गामा क्या उनके एंगल दरमियान, जैसे मिसाल तो ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है
देखो ये मैं ले लूँ ए, ये लेंथ ए हो गई, ये हो गई ब्रेथ बी, जिसकी हाइट सी। अब ए लेंथ और बी लेंथ के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। ए लेंथ बी लेंथ के दरमियान एंगल 90, और ए लेंथ और सी लेंथ के दरमियान एंगल 90, और बी लेंथ और सी लेंथ के दरमियान एंगल 90। तो मैं इसको जाहिर करूँ, ए लेंथ को मैं अगर इससे जाहिर कर रहा हूँ, ठीक है, और तो मैं अगर हम ए लेंथ ये में ले लिया, बी विड्थ ले ली, हाइट ले ली, तीन हो गए ना, एक दो और तीन, इन तीनों के दरमियान एंगल भी तो तीन होगा, एक इसके इसके दरमियान होगा, इस लेंथ और हाइट के दरमियान एंगल अल्फा ले लो, ब्रेथ और लेंथ के दरमियान एंगल, ब्रेथ और हाइट के दरमियान एंगल ले लो बीटा ले लो, और ब्रेथ और लेंथ के दरमियान एंगल गामा, तो आप कोई भी एंगल आप ले सकते हो। तो तीन एंगल भी होंगे और तीन साइडें भी होंगी, ए बी सी साइडों की लेंथ है, ए बी सी साइडों की लेंथ है, अल्फा बीटा गामा तीनों साइडों के दरमियान एंगल है, ठीक है। तो एंगल कितना है इस केस में? एंगल कितना है? 90 डिग्री है इस केस में, ठीक है। चूँकि देखो इसमें नज़र ही आ रहा है कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, समझ में बात आ गई? ए बी सी क्या होगा? किसी भी क्रिस्टल सॉलिड की लेंथ की तीनों साइडें होंगी, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा? क्रिस्टल के तीनों साइडों के दरमियान एंगल, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब क्रिस्टल की हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप, क्रिस्टल कितनी शक्ल के होते हैं। तो क्रिस्टल सिर्फ डायमंड की शेप में होगा, बल्कि कॉन्कोनी शेप, पहली शेप होती है क्यूबिक सिस्टम। इन क्यूबिक सिस्टम में ऑल एक्सेस आर इक्वल है, अगर ए और बी और सी आपस में इक्वल हो, ए बी सी समझ रहे हो क्या चीज़ है, साइडों की लेंथ है ना ये, तीनों साइडों की अगर लेंथ इक्वल हो, और अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों साइड में एंगल दोनों 90 के, तो वो शेल क्या शक्ल क्या कहलाएगी? ये क्यूबिक सिस्टम, समझ आई? ये भी क्रिस्टल की एक शक्ल है। कौन सी शक्ल है? क्रिस्टल, लेकिन कौन सी शक्ल है? क्यूबिक क्रिस्टल की। कौन सी शक्ल? समझ में बात आ गई? क्रिस्टल रूई नहीं, वो ट्राइंगल जैसे, जैसे हम डायमंड को देखते हैं ट्राइंगल शेप में होगा, ट्राइंगल रूई नहीं डायमंड, ये भी क्रिस्टल की शक्ल है, लेकिन कौन सी शक्ल? क्यूबिक शेप, क्यूबिक फॉर्म है, क्रिस्टल की क्यूबिक शेप, ठीक है। पहली होगी क्यूबिक शेप, दूसरा होती है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल या ये क्यूबिक शेप, ये टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है? ए और बी, तो पढ़ो, दो साइडें तो इक्वल होगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी। देखो ये डायग्राम, ए लेंथ और बी लेंथ इक्वल नजर आ रही है, ये बी लेंथ है और ये ए लेंथ है। इसको तुम विड्थ ले लो, इसको तुम लेंथ ले लो, दोनों इक्वल है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इक्वल, लेकिन सी लेंथ इक्वल नहीं है, सी हाइट, सी हाइट कितनी ज़्यादा है, फर्क है, समझ आ रही बात है? लेकिन ए और बी और सी अल्फा बीटा का जिनमें एंगल कितना है? 90 का है। तो अगर इस शेप की, अगर इस शेप का अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, उसको कहेंगे टेट्रागोनल शेप, टेट्रागोनल शेप, इसको कहेंगे क्यूबिक शेप, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों की लेंथ बराबर, और तीनों के एंगल भी अल्फा बीटा एंगल भी बराबर, तो एक लगेगा क्यूबिक शेप, ठीक है। अच्छा ये क्यूबिक शेप नहीं कहलाएगा, क्यों? ये क्यूब वाइड है, क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक क्यों नहीं है? क्यूबिक की जरूरी क्या है? ए और बी और सी इक्वल, इसकी लेंथ ए, ब्रेथ बी और सी इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, तो ये क्यूबिक शेप नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात है? ये कौन सी शेप कहलाएगा? ये कहलाएगा कौन सा? टेट्रागोनल सिस्टम। देखो कोई भी दो साइड बराबर हो, इसकी बल्कि दो साइड भी बराबर नहीं है, बल्कि टेट्रागोनल भी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो दो, कोई भी दो साइड की लेंथ बराबर हो, अगर दो साइड की लेंथ बराबर है, ठीक है, तीसरी साइड की लेंथ चेंज हो, देखो ए ए की लेंथ बी की लेंथ बराबर नजर आ रही है, आ रही है, लेकिन सी की लेंथ ज़्यादा है, कोई भी दो साइड की लेंथ बराबर हो और तीसरी साइड की लेंथ डिफरेंट हो, लेकिन एंगल तीनों दरमियान अल्फा बीटा 90 का हो, तो वो शेप क्या कहलाएगी? टेट्रागोनल शेप, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल सॉलिड कहलाएगा, टेट्रागोनल क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, समझ आ रही बात ये? तो क्यूबिक सिस्टम में एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और डायमंड, ये क्यूबिक सिस्टम में होते हैं। और टेट्रागोनल सिस्टम में आपके जो कंपाउंड आते हैं SnO2, Ba बेरियम सल्फेट, SnO2, Sn कौन सा कंपाउंड है, लिमिट कौन सा Sn, Sn देखना पड़ेगा, यूट्यूब देख लेना, SnO2 ये कंपाउंड है, और बेरियम सल्फेट ये एक कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड ये टेट्रागोनल सिस्टम में होते हैं, यानी इनकी शेप क्या होती है? ये टेट्रागोनल और टेट्रागोनल शेप में होते हैं, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से क्रिस्टल होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन टेट्रागोनल शेप में होते हैं।
सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड, ये आपके होते हैं आपके क्यूबिक, इनकी ज्योमेट्री जो होती है क्यूबिक सिस्टम होती है, क्यूबिक शेप में इनका ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, ये दो करवा रहा हूँ, बंद हो कर रहा हूँ। ठीक है।